आज हमारे पास यूकॉन की एक वायरलेस ईयरबड्स है BT160। तो अगर आप इस वायरलेस ईयरबड्स को चला लोगे एक बार तो आपको एप्पल की वायरलेस ईयरबड्स लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे काफी अच्छी वायरलेस ईयरबड्स लगी। अगर आपको ये परचेज करनी है तो काफी अच्छी प्राइस पर आपको ये फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर मिलने वाली हो। अगर आप किसी शॉप से इसको परचेज करते हो तो वहां पर काफी अच्छे प्राइस में ये वायरलेस ईयरबड्स आपको BT160 यूबॉन की तरफ से मिलने वाली है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके की जो चीजें हैं वो इसके अंदर देखने को मिलती है। जो बॉक्स पैकेजिंग है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखने को मिलती है, यूबॉन ब्लैक। और यहाँ पर आपको जो इसके अंदर बैटरी बैकअप है वो दोस्तों आप कंटिन्यू इसको 26 घंटे चला सकते हो, ऐसा यूबॉन ने बोला है। बेस प्लस सीरीज से ये आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको HD माइक्रोफोन देखने को मिलता है। तो दोस्तों फ्री आपको केस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का जो वायरलेस ईयरबड्स है वो आपको देखने को मिलता है। साइड में आप देखते हो तो आपको कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और बैक से आपको कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये हमारी वायरलेस ईयरबड्स है, इसको देखेंगे थोड़ा बाद में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक कार्ड देखने को मिल जाता है, यूबॉन का थैंक यू कार्ड। और ये एक यूबॉन के हर एक प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलती है, जो इसके हर प्रोडक्ट के बारे में हमें बताता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यूबॉन के हर प्रोडक्ट में लगती है। और ये इसका यूजर्स मैनुअल हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर ये केस हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा केस आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक हुक और देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको एक इसके अंदर आपको एक आईफोन वाली लाइटिंग केबल आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और ये आपको इसके अंदर एक स्ट्रेप देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो इनको कर लेते हैं अब एक साइड। ये हमारी वायरलेस ईयरबड्स है जो हमें BT160 देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं किस तरीके की जो हमारी वायरलेस ईयरबड्स है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर लगे हुए रैपर को हम हटा लेते हैं। इस तरीके का जो वायरलेस ईयरबड्स है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है जो कि लाइटिंग पोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों ये चीज़ मुझे इस वायरलेस ईयरबड्स के अंदर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दोस्तों जो इसका प्राइस है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है 1000 या 1200 रुपये के आसपास। लेकिन अगर आप इसको किसी शॉप से परचेज करते हो तो 900 या 850 रुपये के आसपास ये देखने को मिलेगी। बट इसके अंदर टाइप सी पोर्ट यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यूबॉन ने इसके अंदर लाइटिंग पोर्ट का यूज किया है, जो कि काफी अच्छी चीज नहीं है इस वायरलेस ईयरबड्स के अंदर और इस प्राइस पर। तो बैक से आप देखते हो तो आपको एक बटन देखने को मिलती है इस तरीके से। और आप इसको ओपन करते हैं तो ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके की जो वायरलेस ईयरबड्स है वो हमारी यहाँ पर देखने को मिलती है। और दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन कर दोगे तो आपकी जो वायरलेस ईयरबड्स है वो पेयरिंग के लिए रेडी हो जाती है। काफ़ी अच्छा केस आपको देखने को मिल जाता है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये हमारी वायरलेस ईयरबड्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके की जो हमारी वायरलेस ईयरबड्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर देखते हो तो आपको यूबॉन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ईयर टिप्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। आप अपने फ़ोन के साथ इनको कनेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ किस तरीके की कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है और किस तरीके की साउंड क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो आप वीडियो पर बने रहें, चलते हैं वीडियो पर। जैसे ही आप इस केस को ओपन करते हो तो तुरंत आपकी जो वायरलेस ईयरबड्स हैं वो पेयरिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर यूबॉन BT160 आ चुका है। तो हमने अपने फ़ोन के साथ इनको कनेक्ट कर लिया है। तो हम YouTube से एक NCS सॉन्ग प्ले करते हैं और देखते हैं किस तरीके की साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके की जो साउंड क्वालिटी है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और मैंने इनको यूज किया है दोस्तों, काफ़ी अच्छी जो साउंड क्वालिटी है वो आपको इनके अंदर देखने को मिलती है। बट जो फीचर्स हैं वो आपको बड़े सिंपल इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो वायरलेस ईयरबड्स है ये बिल्कुल जो एप्पल के ईयरबड्स होते हैं उनकी कॉपी कर यहाँ पर यूबॉन ने इनको बनाया है। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगी जो यहाँ पर इन्होंने लाइटिंग पोर्ट इसके अंदर दिया है। दोस्तों साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क भी करते हैं। तो आप अगर इन पर डबल प्रेस करते हो तो आप
अपने जो सॉन्ग है उसको प्ले कर सकते हो। आप इनसे कॉलिंग भी कर सकते हो, काफी अच्छी कॉलिंग आपको इनके अंदर देखने को मिलती है। अगर डबल टैप करते हो तो आप गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। सिंगल टैप पे आपके जो साउंड है वो चेंज हो जाएंगे, और थ्री बार इनके ऊपर टैप करते हो तो आपकी जो कॉल है वो लग जाती है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको इन वायरलेस ईयरबड्स के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों मुझे तो काफी अच्छी वायरलेस ईयरबड्स लगी। आपको परचेज ही करना है तो 800 रुपए में आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। ज्यादा पैसा कोई मांगता है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मुझे ये लगता है कि एप्पल की कॉपी बिल्कुल यूबॉन ने की है। कोई भी ऐसी डिफरेंट चीज इसके अंदर नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, बट अगर आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हो। तो दोस्तों काफी अच्छी वायरलेस ईयरबड्स है, डिजाइन काफी अच्छी है, साउंड क्वालिटी काफी ठीक मुझे इस वायरलेस ईयरबड्स की लगी। अगर आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट इन्होंने लाइटिंग के अंदर दिया है वो काफी खराब यहाँ पर किया है, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस के अंदर अदर्स ब्रांड्स के अंदर यूबॉन के भी कुछ ऐसी वायरलेस ईयरबड्स है जिनके अंदर आपको टाइप सी देखने को मिलता है, बट इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये काफी बुरा काम यहाँ पर 160 के अंदर यूबॉन ने किया है। अगर आपको इस वायरलेस ईयरबड्स को परचेज करना है तो ये चीज आपको झेलनी होगी। तो दोस्तों मुझे ये चीज सबसे बुरी लगी, बट इसकी जो साउंड क्वालिटी वो काफी अच्छी है, बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, और मोस्टली जो चीजें हैं वो काफी अच्छी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।